नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, आप सभी के चरणों में मेरा सत्सत प्रणाम है। आज हमारे साथ मीटिंग पे उपस्थित है देव जी, और इनका कहाँ रहते हैं, क्या उम्र है, क्या प्रॉब्लम था, कब से सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो हम इनसे सारी की सारी जानकारी पूरे दर्शकों को हम बताने जा रहे हैं। तो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवधर है जी, देवधर नागपाल। अच्छा, आप कहाँ पे रहते हो? मैं दिल्ली में रहता हूँ जी। और आपकी उम्र कितनी है? आई एम 61 जी। और आप कब से हमारे सिस्टम से जुड़े हुए हो? एक महीने से। तो एक महीने के पहले आपको क्या प्रॉब्लम था, एक महीने के बाद अभी आपको क्या रिजल्ट मिला है? मेरा जो शुगर लेवल था वो 200 प्लस था जी। ये दुनिया का सबसे आसान प्रोग्राम है, एक महीने के अंदर रिजल्ट्स आ गए और मुझे ऐसा लगता है आप दुनिया के सारे हॉस्पिटल बंद करा दोगे। अरे वाह, एक महीने की दिनचर्या क्या रही कि आपका डायबिटीज 30 दिन में चला गया? जी, दिनचर्या सुबह मैं एनीमा करता था जी, और उसके बाद जो है मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में 1 बजे तक कुछ नहीं खाता था, पानी भी नहीं, निर्जला जी। तो डायबिटीज और 1 बजे में सर, डायबिटीज के पेशेंट को ऐसा कहते हैं कि भूखा रहना ही नहीं है, बस खाओ खाओ, हाथ में कुछ ना कुछ रखो, खाओ। तो आप तो इतना सारा सुबह का 6 घंटे का 8 घंटे का फास्टिंग कर लिया आपने जी। तो 1 बजे मैं ग्रीन जूस लेता था जी, उसके बाद 2:30 बजे मैं वेजिटेबल्स खाता था, ग्रीन वेजिटेबल्स सैलड जी, और शाम को 6:30-6 बजे फ्रूट्स खाता था जी, और रात को 10:30-11 बजे एनीमा करता था जी। आई कंटिन्यूड विद दिस रूटीन फॉर 30 डेज। तो ग्रीन जूस कैसे बनाते हो और ग्रीन जूस कैसा लगता है? ग्रीन जूस में मैंने बहुत अच्छा लगता है, और पालक का जूस काफी हैवी होता है, कई बार तो पालक का जूस पी लो तो सारे दिन फिर भूख नहीं लगती थी जी। तो मैंने पालक को कम किया, गाजर को बढ़ाया उसमें जी, और उसमें क्या कहते हैं, पालक के साथ पुदीना, साथ में धनिया प्लस अदरक प्लस ये सब चीजें डाली, साथ में टमाटर डाले। तो आई मेड वेराइटी ऑफ ग्रीन जूस, उसमें पालक रोज ही रखी और उसमें धनिया भी रोज डाला और पुदीना भी, क्वांटिटी कम ज्यादा करता चला गया। हाँ जी। और उसका रिजल्ट ये हुआ, दिन चेक की तो 118 आई। ओके, तो एनीमा करना कैसा लगता है और एनीमा से कितना लाभ हुआ? एनीमा से पेट तो हल्का होता है, बट एनीमा मुझे लगता है कि ये जो कॉम्बिनेशन आपने बनाया, एनीमा, इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड ग्रीन जूस, इधर और पका हुआ नहीं खाना और क्या कहते हैं डेरी नहीं खाना, मेरे ख्याल से दिस इज द परफेक्ट एंड इजीएस्ट प्रोग्राम टू रिमूव ऑल टाइप्स ऑफ डिजीजेस फ्रॉम द बॉडी। यस, कोई भी बीमारी हो चली जाती है, लेकिन आपको करना पड़ता है। लोग बोलते हैं खाना छूटता नहीं है, तो मैंने एक वीडियो बनाई, दुनिया छोड़ देंगे खाना नहीं छोड़ेंगे। तो सच में लोग ऐसा ही करते हैं कि खाए बिना नहीं रहा जाता है, मरने के दम पे पड़े हैं लेकिन खाना नहीं छोड़ते हैं। तो आपने इतना चमत्कार कर दिया कि आपने खाना 1 महीने से छोड़ दिया है, खाया है, ऐसा नहीं है कि नहीं खाया है, लेकिन ईश्वर का बनाया हुआ खाया है, जो इंसान बनाते हैं वो नहीं खाया है। And trying to create varieties in raw food so that मेरा मन जो है इसमें लगा रहे हमेशा के लिए, और जिस तरह से ये रिजल्ट आया है वेरी मच एक्साइटेड जी जी। मैं आपको शत शत प्रणाम करता हूँ जी। आपको भी शत शत प्रणाम है कि आप हमारे साथ, आप कोई भी कोई, बिल्कुल मैं आपके मिशन में आपके साथ हूँ 24/7। सर ये बताइए कि 1 महीने में इतना रिजल्ट है, अभी आपकी उम्र 61 है, अभी बहुत सारी मंजिल लंबी काटनी बाकी है, तो कब तक ये सिस्टम को सपोर्ट करोगे? मैं इसको हमेशा ही करूंगा। अच्छा जी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यही लाइफ है, बाकी तो एबनॉर्मल लाइफ है जी जी।
तो आपने ये सिस्टम को स्वीकार किया, तो फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं कि क्या, फैमिली वालों का रिस्पांस क्या होता है? फैमिली वालों का रिस्पांस भी सही है, वो लोग भी धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं। ओके। उन्होंने भी डेयरी तो छोड़ दिया है जी, तो बाकी जो है उनको भी प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज वगैरह, तो मुझे लगता है कि मेरे रिजल्ट्स अच्छे आए हैं तो उनको भी अपने आप असर होगा जी, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक महीने के एक्सपीरियंस से आप समाज को कुछ टिप्स दीजिए कि जितने भी लोग डायबिटीज वाले हैं, बीपी वाले हैं, उन सभी को दवाइयां खानी चाहिए या ये सिस्टम फॉलो करना चाहिए, कुछ टिप्स दीजिए आपकी ओर से। मैंने देखा सभी लोग कुछ ना कुछ तो करते ही हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं या कुछ और करते हैं, तो इससे बेटर ये है कि इस सिस्टम को अपना लें जो है अल्टीमेट है और उसमें 100% जो है रिजल्ट है जी। बाकियों में रिजल्ट तो है लेकिन 100% नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 100% रिजल्ट है और जितनी जल्दी आदमी इस सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर देगा उतना ही उसकी लाइफ जो है वो कन्वीनियंट हो जाएगी। मैं बस आपसे जुड़ना चाहता हूँ क्योंकि कंपनी बनी रहती है तो आदमी कंटिन्यू रखता है फिर। हाँ जी, हम तो 24 घंटे आपके साथ है और आपके आपके मोबाइल में जितने भी फोन नंबर हो, आपके जितने भी रिलेटिव्स हो या फिर जितने भी ग्रुप हो, वो सभी में हर रोज हमारी वीडियो डालते रहिए, क्योंकि हम 30 दिन के 30 वीडियो बनाते हैं, हर रोज एक वीडियो बनाते हैं, तो सबको कुछ ना कुछ उनके जैसा कुछ ना कुछ नॉलेज मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जो है इतनी सेवा आप कीजिए कि हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। जैसे हमारी वीडियो अहमदाबाद से दिल्ली पहुंच गई, तो ये माध्यम जो है वो कोई इंसान ही है या तो फिर मीडिया है, तो वैसे ही आप भी, आपके जितने भी ग्रुप्स है, आप सीए हो तो आपके आपके पास भी बहुत सारे लोग पहचान वाले हो गए, तो सबको व्हाट्सएप के जरिए आप हमारी वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, तो कोई देखे ना देखे, करे ना करे, लेकिन कोई बंदा ऐसा होता है कि जिसको भगवान के चमत्कार हो जाते हैं, भगवान की कृपा हो जाती है, ये वीडियो देख लेते हैं, क्लिक हो जाता है तो उसको फॉलो कर लेते हैं, तो बस तुरंत से उनको रिजल्ट मिलना चालू हो जाता है। तो जितने भी साधक हमारी वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा NDS हेल्थ सेंटर है, जहां निशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। और अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे ऑर्डर करके आप एनिमा पॉट मंगवा सकते हो या तो फिर हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी मंगवा सकते हो। तो सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। देवधर जी आपका खूब खूब धन्यवाद, आपने अपना इंटरव्यू दिया, आपने अपना अनुभव सभी को बताया, इसके लिए आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए थैंक यू, आभार, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय जी।